तो मैं यहाँ पर आपको यूकेरियोटिक सेल ऑर्गेनलीज बताने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कुछ चार पाँच छः बेसिक से डिफरेंस होते हैं दोनों के। दोनों ही यूकेरियोटिक सेल होती हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज ये आप देख रहे हैं, साइज में डिफरेंस होता है। प्लांट सेल इज़ लार्जर देन एनिमल सेल। सेकेंड डिफरेंस इज इन प्लांट सेल देयर इज़ अ लार्ज वैक्यूल प्रजेंट, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स के कंपैरिजन में क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं विच कंटेन हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिक एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मटेरियल ऑफ सेल। दे हैव ए सेल वॉल, एनिमल सेल डोंट हैव ए सेल वॉल। प्लांट सेल हैव ए ग्रीन कलर प्लास्टिड, एनिमल सेल डोंट हैव प्लास्टिड। प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल, ये सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल हैव ए न्यूक्लियस इन सेंटर, वाइल इन प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये पांच छह बेसिक से डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स जो दोनों में ही प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज़ द फ्लूइड मोसिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनेमिक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है विच फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द सेल। बाउंड्री मतलब सेल कोई भी हो, एक उसकी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज इट अलाउ ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू पास थ्रू। ओके, तो इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल होती है एंड इट ऑल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेल की शेप को मेंटेन करती है ताकि साइटोप्लाज्म बाहर मूव ना हो जाए। सेल की प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो देर आर द डे बेसिक फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेनली जो साइंटिस्ट थे 1972 में, सिंगर और निकोलसन, दे गिव द फ्लूइड मेम्ब्रेन मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे टेल दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ए लिपिड बाईलेयर मॉडल। ये क्या होता है, लिपिड दोनों साइड लिपिड की बाईलेयर्स होती है, लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं और बीच में क्या होती है, प्रोटीन एम्बेडेड होती है। दे हैव टू लिपिड अरेंज होते हैं, वो टू तरीके से अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। उनका जो पोलर हेड होता है वो कैसा होता है, आउटवर्ड्स होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो वाटर लिविंग पार्ट होता है, वाटर लविंग पार्ट होता है, एंड दे हैव हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग पार्ट इनसाइड द मेम्ब्रेन। उनका जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो इनसाइड होती है और पोलर जो हेड होता है वो आउटसाइड होता है। ओके, तो लिपिड जो होते हैं मेनली यहाँ पर फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरोल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड बाईलेयर प्रेजेंट इन लिपिड बाईलेयर। प्रोटीन दे आल्सो कंटेन, दिस मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन। यहाँ पे आपको इंटीग्रल प्रोटीन दिखाई दे रही होगी बीच में। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है टाइटली हेल्ड होती है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करती है मटेरियल को रिलीज होने नहीं देती है। एंड पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है लूजली हेल्ड होती है, लेकिन वो लिपिड बाईलेयर में ही प्रेजेंट होती है और इजिली वो रिमूव भी हो सकती है। तो प्रोटीन यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन मींस लाई ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटीग्रल प्रोटीन मींस लाई इन द इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पेरिफेरल प्रोटीन हेल्प करती है एंट्री में मॉलिक्यूल्स की, ये क्या करती है एक फ़िल्टर करने का काम करती है, सर्टेन मॉलिक्यूल्स को आने देती है। इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड होती है, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, टोटली बरेड इनसाइड द मेम्ब्रेन। दिस इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने वो पढ़ाई होगा एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, 9th क्लास में भी आता है। ओस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है जब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का हायर टू लोअर साइड विच डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल वॉल। द प्लांट सेल ऑल्सो कंटेन रिजिड नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड सेल वॉल। इट इज़ द आउटर कवरिंग होती है। ये मेनली एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट सेल और फंगस में प्रेजेंट होती है। प्लांट में इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड फंगस इज मेड इन फंगस इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। इसका मेन फंक्शन यही होता है, ये अनवांटेड मटेरियल को आने नहीं देती, इन्फेक्शन से और मैकेनिकल इंजरी से प्लांट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है।
नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एंड माइटोकॉन्ड्रिया।